एक शख्स ईद से कुछ दिन पहले दो लिबास लेके हजरत अली रदी अल्लाह अनहु के खिदमत में आया और अर्ज करने लगा कि या अली रदी अल्लाह अनहु, मैंने आपके लिए और आपके गुलाम के लिए लिबास लेके आया हूँ। ये जो लिबास महंगा है ये आप रखिएगा और ये लिबास सस्ता है वो अपने गुलाम को दीजिएगा। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने उस शख्स का मोहब्बत देखकर वो हदिया कबूल किया। जैसे ही वो गया तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने अपने गुलाम कंबर को तलब किया। गुलाम कंबर हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो के खिदमत में हाजिर हुआ। कंबर, ये जो महंगा लिबास है ये तुम लो और जो सादा लिबास है वो रख दो। उसने कहा, या अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, मैं आपका गुलाम हूँ, ये सादा लिबास मुझे दे दें, अच्छा लिबास रख लें। तो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हो ने फरमाया, कंबर तुम जवान हो, ये महंगा लिबास तुम पर जचेगा, मैं तो बूढ़ा हो चुका हूँ, ये सादा लिबास रहने दो। तो कंबर महंगा लिबास लेके चला गया और वो सादा लिबास पड़ा रहा और इतने में मेस में तमार आ गया और वो कहने लगे, या अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, मैं आपकी जियारत के लिए आया हूँ। हजरत अली ने मुस्कुरा कर कहा, मैसम, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था, ये लिबास रखा हुआ है, लो और ईद के दिन पहनना। मेस में तमार वो लिबास लेके चला गया। दो दिन गुजरे, ईद का दिन आया तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो वही पुराने जगह जगह से सिए हुए कपड़े और वही पुराने चप्पल जो जगह जगह पे सिए हुए थे पहन के मस्जिद के तरफ रवाना हुए। ईद नमाज पढ़ी, सब मुसलमानों से ईद मुबारक कह के वापस आ रहे थे तो रास्ते में कुछ लोगों ने कहा, या अली रजी अल्लाह ताला अन्हो, आप तो वक्त के खलीफा हैं, यहाँ गरीब से गरीब इंसान जो अच्छे से अच्छे लिबास पहन के घूम रहे हैं और आपका लिबास इतना पुराना और इतना फटा हुआ। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो मुस्कुराकर कहने लगा, ईद का मकसद ये नहीं कि इंसान महंगे और अच्छे लिबास पहने, लेकिन ईद का असल मकसद तो ये है कि इंसान अपने अल्लाह के लिए उस दिन कोई गुनाह ना करे। अच्छा लिबास पहनना ईद की निशानी नहीं बल्कि अच्छा किरदार ईद की निशानी है। सुन लो, मोमिन के लिए हर वो दिन ईद है जिस दिन वो गुनाह ना करे। बस ये कह के आप जो यतीम बच्चे थे उनके पास तोहफे, खजूर और अनाज लेके चले गए। तमाम यतीमों के सर पर हाथ रखा, प्यार किया, उनको तोहफे दिए ताकि उनको यतीमी और गरीबी का एहसास न हो और यूं अपनी ईद यतीमों और गरीबों के साथ गुजारा करते थे।